कुमार जी को बुलाकर बेंगलोर में भारी बेइज्जती करने का काम किया। कांग्रेसियों ने कहा जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हो उस प्रदेश में नीतीश कुमार जी को अनस्टेबल कहा गया। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, महागठबंधन की जो कई लोग हैं वो बेंगलुरु में गए, विपक्षी एकता की बड़ी बैठक बेंगलुरु में होना है। देखिए, वहीं दूसरी ओर बात करें तो जो एनडीए की बैठक है वो दिल्ली में होने वाली है। बीजेपी के कई नेता हैं वो दिल्ली में गए हुए, पर देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, तमाम लोग बेंगलुरु गए हुए हैं। कर्नाटक में अब कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बुलाकर बेइज्जती किया जा रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने के लिए बेंगलुरु पहुंचे हैं। उसके पहले सड़कों पर पोस्टर लगाया गया है और देखिए उसके बाद जो बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, वो किस तरीके से जो कांग्रेस की सरकार है उस पे बरस रहे, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बुलाकर बेइज्जती किया जा रहा है। क्या कुछ करे सम्राट चौधरी, पहले आप वो सुने। महागठबंधन के लोगों ने नीतीश कुमार जी को बुलाकर बेंगलोर में भारी बेइज्जती करने का काम किया। कांग्रेसियों ने कहा जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हो उस प्रदेश में नीतीश कुमार जी को अनस्टेबल कहा गया और नीतीश कुमार जी की भारी फजीहत कराई गई। ये कांग्रेसियों की चाल थी कि नीतीश कुमार उनके गठबंधन में आए लेकिन उनका कोई रोल नहीं रहे, इसलिए आज बेंगलोर में जो स्थिति उत्पन्न हुई है नीतीश कुमार इसके लिए स्वयं दोषी। तो अभी आप सम्राट चौधरी को सुन रहे थे किस तरीके से जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उनको लेकर बोल रहे थे कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बुलाकर बेइज्जती कर रहे हैं। देखिए बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बड़ी बैठक होने वाली है, तमाम जो अलग अलग दल के लोग हैं वो उस बैठक में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुँचे हैं, लालू प्रसाद यादव भी पहुँचे हैं, पर जो बिहार में पुल गिरा था उस पुल को लेकर एक पोस्टर लगाया गया है और उस पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर भी लगी हुई है। अब इसको बाद देखिए जो बीजेपी के लोग हैं वो तंज कस रहे हैं कि किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उनको कर्नाटक में बुलाकर बेइज्जती किया जा रहा है, इंसल्ट किया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, वो भी आपने सुना। इसके पहले बिहार में तमाम जो विपक्ष के लोग हैं वो पहुंचे थे, किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वागत करवाए थे वो आप सभी लोग जानते हैं, पर बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है और इसके पहले सम्राट चौधरी कर रहे कांग्रेस के लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बेइज्जती करवा रहे, क्या कुछ कर रहे थे सम्राट चौधरी वो आपने सुना। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्ट्रीम के साथ, धन्यवाद।